इंतजाम नहीं किया, इसलिए शादी नहीं होगी। बारात वापस ले जाने से पहले मेरा सर काट दो। अरे तुम्हारा सर काटने का 1000 में मिलता ना तो काट देता मैं। हाँ मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ करना लाला। रुक जाओ, ठहरो लाला ठहरो। 4000 रुपए में अपने बेटे को बेच रहे हो? कल थोड़े से ज्यादा पैसे मिल गए तो अपनी धरती माँ को भी बेच दोगे? दहेज दीमक होती है लाला, घर में बसने से पहले घर को खोखला कर देती है। तुम्हारी भी 6-6 बेटियां हैं, कल उनका दहेज देना पड़ेगा, तुम्हें जरा सोचो। मुझे माफ करना बेटे, मैं ये भूल गया था। राजू, अंग्रेज सिपाही हमारे पीछे लगे लाला, कहीं हमें छुपने की जगह मिल सकती है? कान खोल कर सुन लो संदीप जी, 4000 से एक पैसा कम नहीं होगा। वापस मत ले जाओ, मुझे माफ करना, मैं मुझे जीते जी मत मारो। तुम लोगों ने कोई लड़का लड़की कराते हुए देखा है? आप आइए साहब, दहेज का भाव इतना बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान की तारी की तारी लगे। हम इस दुल्हा दुल्हन की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेटी रूबी और उस तांगे वाले राजू की बात कर रहे हैं। राजू तांगे वाले बुलारी गोली साहब, आप आ गए, आपकी बेटी आ गई, हमारे लिए तो धन भाग। अरे हम कटोरी हम इस मूवी देखेगा। अंदर मत जाओ, अंदर लड़कियां हैं, अब जाओ। कहाँ है रूबी? रूबी कहाँ है? रूबी आ नहीं है। एक लाख और लीजिए। इस तंबू में कोई नहीं है, मैं उस तंबू में देखता हूँ। सुन नहीं जाएगा। साहब अंदर मत जाइए साहब, उधर दूल्हा है साहब। किधर किधर किधर?掉掉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 掉
ஹோய், சரியா சரியா.